को पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठा ले। जरूर घर से ये निर्णय करके आया करें कि मैं भगवान जी का थोड़ा सा ज्ञान तो अपने मन में रख के लाऊंगा। तो भगवान ने इतना ही माता चुप इतना ही यकीन दिलाया है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से बचा जाएगा। हम थोड़ा सा भी अपने मन में रख लें कि ये महाराज जी का फरमान तो मेरा अंग बन गया, त्याग के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कोई हैरानगी की बात नहीं, सिर्फ पक्का करना है, क्योंकि कोई करवाता नहीं। कोई ये बात आए थे खाली हाथ जाएंगे कैसे, हाथ पसारे हाय। अगर ये दो दिन हम ध्यान में रखे, आए कैसे थे खाली हाथ मुट्ठी बांधे हुए और जाएंगे हाथ पसारे, ना लाए ना ले जाना। भगवान ने इस जिंदगी को चलाने के लिए सुविधाएं दी हमें, माताजी, पिताजी, बहन भाई, मकान, फिर पढ़ाई लिखाई, रुपया, फिर पत्नी पतिदेव बच्चे, ये सब इस जिंदगी को आराम से गुजारने के लिए, खाना पीना, ये सारी चीजें दी। शुरू से माँ बता देती, मैं बकवास करता रहता हूँ रोज, पिताजी बता देती, ब्राह्मण बता देते, तेरा कुछ भी नहीं है, ये किसी ने पाठ पढ़ाया ही नहीं। इसलिए इन भगवान द्वारा दी कि कितनी सच्चाई है, कहलाए नहीं थे ले नहीं जाना। तो इतनी चीजें जो मेरे पास हैं, सिर्फ भगवान ने प्रयोग के लिए दी। सुनो ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियो, वो आने का लाभ उठाओ मेरी देवियो। ये सारी चीजें हमें यहीं से मिली है ना। हाँ, ये तो बहाना है, पिताजी ने दी है, मेरे पति देव जी ने दी है, और पिताजी को किसने दी, दादाजी को, दादाजी को किसने दी, परदादा को, और परदादा क्या स्वर्ग से लाया था, परदादा को यहीं से मिली, उसको भी तो आखिर भगवान ने दी है। हाँ, आखिर में हमारे हिंदू धर्म ये कह के हमारे पर बड़ा भारी उपकार करता है, ये सब कुछ भगवान का है। या के मन अपने संकल्पों समेत मर जाता है, या मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अगर ये बात पक्की कर ली जाए तो मन जैसे पारा खाया हुआ चूहा मर जाता है। दृष्टांत गुरुदेव का, पारा खाया हुआ चूहा तरफ तरफ के मरता है। इससे जब ये विचार आता है ये सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं, तो मन मर जाता है। क्योंकि मन तो मरता ही नहीं, मैं मेरा, मैं ये हूँ, मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं फलाने का पुत्र हूँ, मेरी बड़ी शान है, और मेरा ये है। मैं और मेरा जब पक्का होता है मन जवान हो जाता है। ध्यान दो मेरी भोली भाली देवियों, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अब मन कहते मैं जवान होता जाऊंगा, अहम पना बढ़ता गया, अहंकार बढ़ता गया, वासनाएं बढ़ती गई, कामनाएं बढ़ती गई, मेरे पैर धरती से ऊपर उठते चले गए, अब मन जवान। और जब प्रभु कृपा से ये पता, लख लाना तो मेरी मनुआ, मैं और मेरा क्या, ये तो है तू और तेरा, आय हाय आई बात टिकाने। अब जो गाड़ी लाइन से उतर गई थी, डिरेल हो गई थी, अब पटरी के ऊपर पहिए चढ़ गए, अब हमारी मन बुद्धि जो डिरेल हुई पड़ी थी, अब जय भगवान जी के ऊपर, मेरा है ही नहीं, लाया क्या था, मैं ले क्या जाऊंगा, कुछ नहीं, ये तो सब कुछ मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण जी का। सुनो मेरी देवियो, सुनो ये बातें माँ ने गोदी में लेके चूम के चट के बतानी थी, पुत्र तू कुछ नहीं लाया, तू भक्ति के लिए पैदा हुआ है, मैं तुझे भक्ति के लिए पैदा किया है, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल होके जाएगा। ये माँ हिंदुस्तान की माँ बताया करती थी, पिता यही बताया करते थे, अगर मैंने शक्ति लगाई है तो तुझे भक्ति कमाने के लिए, परमात्मा का प्यारा बनाने के लिए,
तूने ध्रुव बनना है, तूने प्रहलाद बनना है, तूने चूठी की भक्ति करके अपना जन्म सफल करना है मेरी बेटी। कोई भी नहीं, किसी ने नहीं बताया, किसी ने मैं नहीं। गुसाई जी के दो आंसू गिरे, कौन से गुसाई जी, अपने संतोष बनी तुलसीदास महाराज जी के। हा क्या कि मुझे ऐसा समय नजर आ रही है, अपने सतारवीं शादी में चले गए गुसाई जी। उन्हें क्या क्या ऐसा गंदा वक्त आ रहा है कि जो माँ बाप बच्चों को धार्मिक बनाते थे, जो माँ बाप बच्चों को भगवान का प्यारा बनाते थे, जो माँ बाप बच्चों के आवागमन खत्म करती थी, वही माँ बाप बालकने पास बुलाई। आंखों से देखो समय, माँ बाप बच्चों को अपने पास बुलाएगा, माँ बाप बालकनी पास बुलाई, उधर भरे सोई वचन सुनाई। जिस तरह इनका पेट भरे वही वचन बोलेंगे, लानती कुतिया परे आकर धक्के खाएगा, कमाएगा नहीं तो खाएगा की, रज की कमाया कर, रज के कमांडे साधन बना, गालियां दे दे के कहेंगे, दिए पड़ी कर किसे के चंगा घर वार लेने था, पड़ी कर खाया भी कर। हा खाएगा पा, कमाएगा स्वा, खाएगा सेत, कमाएगा ढेर। ये है आजकल के माँ बाप, धन्य हो माँ बाप को फोटो खिंचाओ, आजकल ये माँ बाप है। बाबा एक बार फिर बोल, खाएगा पा, कमाएगा स्वा, खाएगा सिर, तो कमाएगा ढेर। ऐसा कुछ साधन पैदा कर, उधर भरी सोई पाठ पढ़ावी। ये घोर कलयुग देख लो, कलयुग के अब ये गुसाई जी बता गए अपने रामायण के उत्तर कांड में, कैसा गंदा वक्त आ रहा है, ऐसा गंदा वक्त। बेटे आप तो शुक्र में ना हो, आपको कोई बताने वाला समझाने वाला, ऊपर मेरे प्रभु ने आपको अच्छी माझी बुद्धि दे दी, फिर गीता जी, इतना चोटी का जिसको शास्त्र बोला भी, मैं कहता हूं पाप है, महाशास्त्र गीता महाशास्त्र, इतना चोटी का शास्त्र जो एकदम हमें जगा देता है, एकदम हमें बता देता है अच्छी प्रकार, सुनो ना करना है क्या और ना करना है क्या। इसी बात पर तो कृष्ण जोर दे रहे हैं। ये बातें जब माँ ने पहला घूंट, माफ करना मेरी देवियों, अपना दूध का पिलाया था, साथ ही ये बताती, भक्ति के लिए मैं तुझे पाल रही हूँ, मैंने पैदा ही तुझे भगवान का प्यारा बनाने के लिए किया, ये मेरे देश की आवाज है, किसी दुनिया में किसी और की आवाज होती है, जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नी जननी जननी मैं जन्म देने वाली माँ, अगर जन्म देना ही तो या तो भगत को जन्म दे दे, या कर्ण जैसा दानित पैदा करना, या अर्जुन जैसा महारथी पैदा करना, नहीं तो जननी क्यों जने, काहे गवावे नूर, क्यों अपनी सुंदरता गवाती। भगवान ने विशेष सुंदरता तुझे पूर्णमाशी वाले दिन दी है, विशेष सुंदरता, आप बिल्कुल तबाह कर बैठती हो इन नन्हे मुन्ने को लेकर, चोल दे मुन्ने को पैदा करके, दूध पिला, दूध थोड़ा है मेरी बेटी आपका, ये खून है आपका। इन दिनों जबकि बच्चा आपका बनता है, आपको पता लगा जो खून बनना था इधर, वो एक्स्ट्रा इधर बन के दूध बन जाता है आपका खून। बच्चों को खून पिला 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 के आपने भुच्चर बना दिया, शाबाश। पर होने चाहिए थे भगवान के प्यारे, आपने भी पैदा करके अपनी इतनी शक्ति लगा डाली, परमात्मा के दूसरे आत्मा के दूसरे दर्जे पर वीरी की शक्ति है, जो मेरे आज के नालायक तबाह कर करके अपने आप को डॉक्टरों के गुलाम बनाते जा रहे, डॉक्टरों के अधीन, और ये सर जैसे घर में कुत्ती सू गई हो या सूरनी सू गई हो, जरा घर घर का हाल तो देखो, क्या देखती होंगे भगवान जी, जैसे घर में सूरनी सू गई है, सूरनी को होते 6-7 बच्चे इकट्ठे ही, और अपने पसार के बैठी होती है उनको दूध पिलाने के लिए। आ मेरी बेटी अब तो पिछली कमी पूरी कर, और मेरे बच्चे मैं लुटवाने को तैयार हूं, जो शक्ति मुझे भगवान ने दी है, मेरे आप सांझी बन जाओ, भाईवाल बन जाओ, पार्टनर बन जाओ, ले लो और लेके अपना प्रलोक बनाओ। हिंदुस्तान में पैदा होने का सबसे पहला मतलब भगवान की भक्ति कमाना। हम ये धर्म भूमि भारत में पैदा हुए हैं,
भोग भूमि अमेरिका नहीं, इंग्लैंड नहीं, पेरिस नहीं है, है खून खराबा करने वाली धरती। ये पाक नाम रखा है उन्होंने पाकिस्तान, बिल्कुल गलत नाम, बिल्कुल गलत नाम। परमात्मा की कसम पाकिस्तान वो तो पवित्र स्थान, पाक पवित्र पवित्र स्थान है। कितनी गंदी वृत्तियां वहां काम कर रही है, बिल्कुल अनुपयुक्त नाम है ये। पाकिस्तान तो होता है जन्नत स्वर्ग, उसे बोलते हैं पाकिस्तान। इन नलैकों ने नाम है गंदी धरती के ऊपर जो खून खराबा करना, लड़ाइयां झगड़े करना, दूसरों की औरतों को उठा उठा के रात रात ले जाना, उसको कहना पाकिस्तान। हाय गाय 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 ना, ये तो अपने पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाई जा रही है, कब्रिस्तान, मार धार कत्ल और गंदी गंदी बातें। मेरी बच्ची गंदी गंदी बातें। अभी उन्होंने क्या किया, अपने कुरान शरीफ के अनुसार एक चोर पकड़ा गया। हाँ, चोर पकड़ जाएंगे तो जो उनका प्रेसिडेंट था उन्होंने क्या किया, कि बस हमारा ये कहता है, हमारा यार कुरान शरीफ कहता है कि हाथ काट दो, कहते हुए जनता मर गई कि नहीं, लेकिन सारे आम हाथ कटवा दिए। इतनी जनता उनके खिलाफ हुई पड़ी है, मैं क्या बोलूं आपको, हाहाकार मचे पड़े। अब वो ये खप मचा दे, कौन ऐसा इंसान है जिसने कोई ना कोई चोरी ना की है बचपन से लेकर अब तक, सारे थोड़े कुरान शरीफ के होती है प्यारे, क्यों हाथ कटवाए गए। तो बड़ी खप मेरी बच्ची, वक्त दी मेरे मालिक ने हमें सुनहरी अवसर दिया है, मैं बड़ी उमंगे ले लेके आपके पास आ जाता हूं कि परमात्मा करे हमारा तो कल्याण हो जाए, हमें तो आपने जिम्मेवार है। तो अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, वह कमले गठड़ी अपनी संभाल तेनू चोर नाल की, जब उनका समय आएगा संभलते रहेंगे, अभी तो हमारा समय आ गया। ये ऐसा पक्का इरादा करके भंपड़ भड़का के आए अपने अंदर कि मैंने अपना कल्याण कर लेना, अब नहीं मैंने गलना मरना सड़ना, अब नहीं मैंने कामी क्रोधी लोभी बनना, अब मैं क्या बनूंगा, विवेकी वैरागी और भक्त, विवेकी वैरागी और भक्त, अब मैंने यू बनना, आ गया समय हमारा। वो बचपन सुनते आ रहे होने हार बीरवान के, हो चीकने पान, जिन जिस वृक्ष ने बड़ा सुंदर बनना है उसके पत्ते ही पहले कोमल कोमल शानदार होंगे। बिरवान होते बेटे वृक्ष, होनेहार जिसने आगे बड़ा अच्छा होना है, प्रॉमिसिंग ट्री, होनेहार को अपनी अंग्रेजी में बोलेंगे प्रॉमिसिंग ट्री, क्या उसके पत्ते बड़े अच्छे होंगे। जिस बच्चे ने बड़ा चुस्त बनना है वो पालने के अंदर पैर मार रहा होगा, इधर मार इधर मार इधर मार, मां सुला गई थी पूरा पश्चिम और हो गया जो उत्तर दक्षिण, यू पैर मार के, यू मार मार करके, ये करके ये करके ये करके, ये बच्चा बनेगा शानदार। ये कितना चुस्त है, कितना होशियार है, कैसे अंग उसके विकसित होते जा रही है। इसी तरह पंजाबी में कहावत, बाल गोपाल पंगूड़ियों ही पता बता देती है कि हमने भविष्य में क्या बनना है। पंगूड़ा होता है बच्चे पालना, कमान उत्साह बढ़ाओ अपना, एक विशेष प्रकार का उत्साह बढ़ जाए कि मैंने अपना कल्याण करना है। तो भगवान ने क्या हमें फार्मूला दिया, मैंने कहा ना ये सारी दुनिया किन्हीं अटल नियमों के आधार पर चल रही है, हमें कुछ कुछ नियमों का पता लगे, भगवान करे वो नियम पता लग जाए जिससे द्वारा हम लोग अपना जीवन तो अच्छा बना ले। अटल होता है जो टाले न जा सके, जैसे ये अटल नियम है दिन के बाद रात होगा और रात के बाद फिर दिन होना जरूर होगा, अब ये अटल नियम है, कोई जब से सृष्टि बनी आज तक ऐसा नियम और चलता रहेगा, इसी नियम बलती थे इनको नियम, जैसे सर्दी के बाद गर्मी अटल है परमात्मा का नियम, या जब से दुनिया बनी आज तक ऐसे चलता आ रहा है ना। हाँ, अब बड़ी सुंदर भगवान ने बनाई है बसंत, लेकिन बसंत के बाद जरूर पतझड़ होगी, ये अटल नियम है, हम लाख सिर जोड़ते रह जाए हाथ जोड़ते रह जाए ना, अब वो ना आए पतझड़ ना आए, बसंत बड़ी अच्छी, बसंत बड़ी अच्छी, भगवान चारों ओर हरी हरी चादर बिछा देते, बड़े प्यारे लगते हैं पत्ते, लेकिन नहीं एक भी हरा पत्ता पतझड़ के दिन में नजर नहीं आता। ये सृष्टि है बड़ी निराली, घर में कितनी रौनक होती है, कितनी रौनक चंदन के बाद, सारी रौनक गो बट गॉन, नियम ही ऐसा परमात्मा ने बनाया है। चांदी रात कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी, कितनी सुंदर, चांदी रात में बैठना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, चांदी रात में सैर करना और लंबे लंबे सांस लेना वेरी वेरी यूजफुल, लेकिन चांदी रात आखिर कब, चार दिन की चांदनी, फिर क्या होगा, फिर अंधेरी रात,
अब नियम ही परमात्मा ने ऐसे बनाया, मैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकर दाना कौन, जब ऐसे अवसर आए उनका लाभ उठा ले, रहने तो उन्होंने है नहीं। आएंगे ऐसे अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, अब हमने उसका लाभ उठा लेना। बस यही लियाकत है, यही भगवान चाहते हैं कि जब ये अवसर आए बस ये लाभ उठाए, हम त्याग भावना से रहे। लाभ किसने उठाना है, मन ने, हमारे किसी अंग ने तो नहीं उठाना। हो देवी एक एक बात मेरे भगवान की सुन ले बच्चों, मैं अपना फर्ज अदा करके जाऊं, मैं अपना कर्तव्य और हिंदुस्तान की मिट्टी हिंदुस्तान में मिला के जाऊं, ये फर्ज आप ये सिर्फ सुनिए ध्यान से और अपना बना लो। ये ज्ञान हमारा अपना है। मैं कह रहा था भगवान ने अटल नियम बनाए हैं, अटल जो टाले ना जा सके, अनअवॉइडेबल इनएविटेबल डिवाइन लॉज, इनएविटेबल डिवाइन लॉज ये भगवान ने बनाए, असेंशियल डिवाइन लॉज ये हम नहीं टाल सकते। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, उनमें ये नियम है क्या, त्यागात शांति अनंतर, जो त्यागी बनेगा मानसिक रूप में शारीरिक रूप में त्यागी बन जाएगा। आजकल तो पखंड है ना, बगे गुड़े पकड़े पा लिया, ये कर लिया, हम तो बाहरी रूप में मालाएं लगा दी बाहरी रूप में धोखा देने के लिए आप लोगों को, इर्द गिर्द को। वरना त्याग तो मन का विषय है, तन का विषय नहीं होता, मन का विषय। मन मेंटली क्या हो जाता है, हम बिल्कुल किसी चीज को अपने समझते, ये कितना बढ़िया भाव है, लाया मैं कुछ नहीं था, ले मैं कुछ नहीं जाऊंगा। अब वो दिन याद करें ना, हुआ हुआ करके पैदा हुए थे, हा और हाथ पसारे चले जाएंगे, कितना भारी त्याग। और ये सारी चीजें जो मैं गुजारिश कर रहा था, क्या भगवान ने प्रयोग के लिए दी? एक दिन भी तो नहीं करता हमारा, एक दिन भी भोजन हमले दिन नहीं करता, भोजन की सब सामग्री रब ने दे दी, जालना हो तो एक दिन नहीं करता, सारी पेय तत्व भगवान ने आपको दे दिए, चाहे मैं उसे शरबत कहूं, चाहे मैं उसे जूस कहूं, चाहे मैं उसे जल कहूं, चाहे दूध कहूं, ये सारा तरल पदार्थ है, किसके लिए, हमारी प्यास दूर करने के लिए। ये सारी चीजें दी, भगवान चाहते यही है कि उनकी दुनिया चार दिन रौनक दिखाए। अब जब कोई आदमी रौनक के काबिल नहीं रहता, भगवान कहते वापस आ जाओ, जब कोई रौनक के काबिल नहीं रहता भगवान फौरन बुलाते हैं। प्रकृति का ये भी नियम, मैंने कई बार कहा, बढ़ो या मरो, एडवांस आर ओ, जितने मेरे यंगस्टर्स बैठे हैं, जितने मेरे जवान बैठे हुए, ये प्रकृति का गर्मा गर्म नहीं है, बढ़ो या मरो, एडवांस और पेरिश, ऐसा कठोर नियम है प्रकृति का। ये नहीं कि मनुष्यों के लिए, हर जाति के लिए, दृंदे परिंदे चिंदे बृहस्पति वर्ग इर्द गिर्द घास का तिनका भी भगवान ने कहा मरो या मरो, या तो कुतला जाएगा घास का तिनका, या फिर आगे बढ़े, एक घास का तिनका दूसरा तिनका बनाए, तीसरा तिनका बनाए, चौथा पांचवा तिनका बनाए, पांचवा छठा तिनका बनाए, देखते जाओ, एक घास का तिनका अगर तरीके से लगा दिए ग्राउंड में, वो सारे तिनके फैला देगा सारे ग्राउंड, क्यों, उसने एक तिनका और बनाना है, जो दूसरा तिनका उसने तीसरा तिनका बनाना है, तीसरे चौथा पांचवा, इस आगे 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 आगे। ये सिर्फ आपने नहीं किया, सारे जीव यही कर रहे हैं। आप आपके पिता के बच्चे, फिर आपने अपने बच्चे बनाए, अगले जो बच्चे और बच्चे पैदा करने के लिए बड़े हो रही हैं, उनके भी अंग विकसित होते जा रहे हैं नारियों नर के, फिर आगे और बनाने लग जाएंगे, आगे वो यही बनाएंगे। जैसे एक घास का तिनका सारे खेत के अंदर तिनके तिनके बनाई जा रहा है, इसी तरह एक छोटी आम की गुठली लगाई जाती है, धीरे धीरे करके कितना विशाल आम का वृक्ष बन जाता है, क्या शाखा में प्रे शाखा ब्रांच सब ब्रांचेस इतने बनते 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 सबसे विशाल वृक्ष जिजेंटिक ट्री, हर जगह आप देखेंगे, एक सैनिक आगे एक बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ये भगवान का नियम है, बढ़ो या मरो। अगर कोई नहीं बढ़ना चाहता, भगवान के इस नियम का अनादर करना चाहता है, बस काल उसके सिर पर, कोई भी इनकार करे कि मैं बढ़ना चाहते, किसी का दिमाग नहीं बढ़ना चाहता, मर जाएगी, दौले शाह की चुई हो जाएगी, इतना सा सिर नहीं विकास होता, इतना सा सिर, बड़ा कुछ किया जाता था। अब पता नहीं मेरी बेटियां करती करती, जब मैं होश संभाली तो क्या करती, माँ एक गोल मटोल सराना बनाती थी, हमारे सिरों के नीचे देख, सिर गोल इनका बनना चाहिए, अपने हाथों को यूं यूं करके घी लगा के मस्तक पीछे और यूं यूं दबाना मस्तक चौड़ा बन जाए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उसी का भाग्यशाली मस्तक कहा जाता है जिसका पंजा पूरा लग जाए ऊपर, पूरा पंजा जिसका लगता है उसको भाग्यशाली बोलती है। तो मां पंजे को चौड़ा चौड़ा करती और चौड़ा करती
अभी तो मेरी 3 उंगलियां लगती हुई, मेरी 2 उंगलियां लगती हैं, अब मेरी 5 उंगलियां लग गई। कैसी ये गजब की बातें हमारे यहां हैं, कितनी कमाल की। पिलियां विकसित हो जाए तो मां बिचारी पिलियों पर घी घू लगा के बार बार मालिश करती, जांघों को मालिश करती, जांघे फैल जाए, छाती पर जो लंबा लिटा के तो उसको तख्त जिस पर नलाते हैं चौकी के ऊपर, बच्चे को लिटा के उसको बार बार छाती को यूं करना फैल जाए, गर्दी गर्मी सर्दी सहने के काबल। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, एक एक आंग क्या जवाब देता है, बढ़ो या मरो, या विकसित हो जाओ। मोटा चमचा चांदी का बनाना, उसमें सुरमा डाल के आंखें छोटी छोटी ना रह जाए। कहीं मैं देखता हूं मुंह चौड़े आंखें छोटी, अच्छा नहीं लगता। कई मेरे भाई मेरे नजर मारेंगे, मुंह तो बड़ा शेरा वाला है, आंखें चिड़ी वाली इतनी इतनी। उसको बड़ा तरीका करना कि तरीका क्या होता है, चांदी का मोटा सुमचा बना के उसमें सुरमा डाल के तो आंखें में डाल के यू ला के फिर चमचे को थोड़ी देर अंदर रखा, ये वो आंखें चौड़ी। आयो मेरे रब्बा, एक एक बात, एक अंग विकसित हो जाए, फैल जाए ये अंग, शाबाश। प्रकृति में जिधर भी नजर मार लो, ये नियम है कि नहीं, बढ़ो या मरो, बढ़ो या मरो, एवरीवेयर। उससे हम ये निराली प्रकृति का मुकाबला कर सकेंगे, वरना कभी सर्दी आनी, कभी गर्मी आनी, कभी सुख खाना, कभी दुख खाना, कभी कैसा, तो कैसे मुकाबला करेंगे। अगर दिल है मजबूत चिंता, माइंड मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रांग। और सतरान किसका होता है, जो सहनशील है। और समझ भले तो नारी का चोला लिया, लेकिन सहनशीलता जरूर चाहिए। जिस संसार में कभी कुछ होना है, कभी कुछ होना है, तो मुकाबला करने का तरीका सहनशीलता, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस। कुवत-ए-बर्दाश्त। उस इंसान को हिजरा कहे, ये नहीं जिसका विशेष अंग नहीं तो वो हिजरा, गलत। हमारा हिंदू धर्म कहता है जिसमें सहनशीलता नहीं वो हिजरा। यहां तक के अर्जुन जैसे इतने बड़े महारथी को भगवान ने कहा तो अर्जुन ना बान हीज, आगे क्या शब्द लगाया है, ना मर्द। एक इतने बड़े भारी योद्धा को ना मर्द कह दिया, ना मर्द ओजार, नहीं तेरे शाया ये शान जी किया, अर्जुन तू ना मर्द बन रहा है, ना मर्द कह दिया मेरे भगवान ने। ये तेरे लक्षण क्या है, ये तो क्या कर रहा है, ये तो हिजड़ों वाला हाल है, जो सहन न कर, सहन नहीं कर सका ना, रोना शुरू कर दिया। और दिल उसका बैठा तो बैठा वही ढेरी बांध के बैठ गया। तो याद रखना अपने धर्म की बात, जिसमें सहनशीलता नहीं वो हिजड़ा है, वो नमर्द है। ध्यान देना सारी मेरी बेटियां, सिर्फ इतने अर्थ नहीं जैसे ये नाचते फिरते घर घर में ताड़ियां मारते फिरते हैं, वो तो उनका एक अंग नहीं ना, एक अंग नहीं काम करता उनका, तब मैंने नमर्द कह दिया, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते। नहीं, अपने धार्मिक रूप पर लो, जो थोड़ी बात भी नहीं सहन कर सकती वो नमर्द। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी सर्दी, किसी ने उलटपुलट पिताजी ने कह दिया, मां ने कह दिया, और आग बबोले हो गए, किसी मित्र ने जरा हमारी अनुकूलता नहीं दिखाई तो आप इसे बाहर, तो उनको कहते ये गंदे व्यक्ति, वो नहीं प्रकृति के साथ रह सकते। ऐसे व्यक्ति ही आत्महत्या कर लेते, सहन उनसे होता नहीं, प्रकृति ने सहन करवाना है। खैर ये बातें बड़ी दूर की हैं, मैं इशारा कर गया तो मैं तो उसी पर आ रहा हूं, त्याग। अब ये नियम है प्रकृति का, हमेशा शांत कौन रहेगा, सुख से कौन दिन बिताए जो त्यागी है। अर्थात किसी भी चीज को, त्यागी का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ जाओ, गलत। त्यागी का मतलब ये है कि सारी चीजों का प्रयोग करो, लेकिन भावना ये रख के मेरे भगवान ने मुझे दिए, मैं नहीं लाया था। और सुनो मेरी भोली भाली बेटी, हमारे हिंदू धर्म में त्याग का ये अर्थ होता है, अपना तो छोड़ दो, मैं और मेरा का छोड़ दीजिए, ये मैं नहीं, ना ये ना तो ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, नहीं भगवान ने बनाया है। भगवान बड़े शानदार क्या है, कारीगर है, बड़े शानदार, दी बेस्ट एंड सुप्रीम कारीगर, यानी आर्टिस्ट है वो। उन्होंने शरीर बनाया है, ये शरीर हम ध्यान दें, हाँ अपनी चीज वो होती है जो अपने से बनी हो और अपने खर्चे से बनी हो। कितना अच्छा स्वामी जी समझा गए, ये शरीर अपना है, किस बालबूते का कोई भी मेरा बैठा बच्चा जरा विचार सुन ले, सुन ले भगवान के विचार, बेटी ये शरीर अपना है तो और किसका है, भगवान का। क्यों, अपनी तो कोई चीज इसमें नहीं, अगर हम शरीर को देखते हैं तो ये अपना नहीं, क्यों, बनाने वाला भगवान।
और माँ के पेट में अंदर ही अंदर धीरे धीरे बनता रहा, एक एक अंग ऊपर से बनता रहा। क्या हमने बनाया? नहीं, हमें तो ये नहीं पता होता अंदर लड़की है या लड़का। भगवान के अंदर बनाई जा रहे, बनाई जा रहे, बना रही, तो भी हम कहते कैसे अपना। फिर या तो सामान हमने रब को दिया, मटीरियल जिससे ये बना, मटीरियल भी रब के, आग पानी हवा मिट्टी और आकाश, मटीरियल भी रब का बनाया, भी आर्किटेक्ट जो बनाने वाला, वो चंद्रित में आर्किटेक्ट बोलते हैं ना, हाँ रचयिता, तो रचयिता कौन है इसके? भगवान जी। और सामग्री जो ली पांच तत्वों की, वो किसकी है? भगवान जी। और फिर शक्ति जो चला रही है आत्मा, वो किसकी? मेरी माँ की, आपके बाप की है, वो भी भगवान की। रोना आता है बच्चों की तरह की, फिर मैं कैसे कहता रहा ये मेरा। थोड़े से बढ़िया विचार लेके तर जा, फिर हम किस बालबूते कहे मेरी बेटी। विचार तो ये गीता जी के विचार है, बाकी तो हम ऐसे धक्के खाते रहे, उल्टे पुल्टे बन के अपने अंतःकरण को खराब करते रहे। कैसे कहूं ये मेरा शरीर मैंने नहीं बनाया? उसकी जो सामग्री है जिससे कोई चीज बनती है, जैसे मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी सामग्री होगी, घड़ा बन गया, तो घड़ा बनाने वाला कुम्हार और मिट्टी भी वो खुद लाया, तो ये शरीर बनाने वाले भगवान रचयिता है, और इसकी जो मिट्टी या इसकी जो सामग्री वो भगवान के पांच तत्व। फिर शरीर क्या रखे, और ये बोलता है, भागता है, चलता है, फिरता है, एक एक रग नाड़ी रेशे अंदर अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रही है, ये कैसे अंदर शक्ति है? वैसे हमारे हाथ में घड़ी है, तो घड़ी के तीनों सुइयां चल रही हैं, घंटे वाली भी, मिनटों वाली भी, और ये लाल सुई सेकंडों वाली है, ये तीनों सुइयां भागी जा रही हैं, दौड़ी जा रही हैं, पर कैसे? अंदर पावर, अंदर सेल रखा हुआ बेटी। मेरे बच्चों आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक अब सिस्टम बन गया, तो वो अंदर छोटा सा सेल भी तो है ना, शायद वो 8-9 महीने जाता है, फिर घड़ी खड़ी हो जाएगी या टाइम थोड़ा लूज करने लग जाएगी। हाँ, तो इसी तरह अंदर भी तो एक सेल है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो बुद्धि और मन और तन तीनों अंगों को चलाता है। इधर भी तीन अंग है, घंटे वाली सुई और मिनटों वाली सुई और सेकंडों वाली सुई, इधर भी हमारी बुद्धि है, मन है, तन है, इनको चलाकर उड़ रहा है, अंदर भगवान की शक्ति जिसे हम आत्मा कहती है। किस बालबूते तत्ता पानी, कैसे मैं कहूं ये मेरा? हाय मर गए, हाय मर गए। मन ना भी माने तो भी बार बार कहो ये भगवान का, ये मेरा नहीं, ये भगवान का। बार बार कहते रहे मन ना भी माने तो भी शास्त्र कहता है 10 बार कहेंगे, 100 बार, 1 बार मन कहेगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि प्रकृति का ये भी एक नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये भारतीय मनोविज्ञान का बड़ा शानदार नियम, जिसको दुनिया वालों ने चुरा लिया, अपने साइकोलॉजी में रख लिया, अपने मनोविज्ञान में रख लिया। और ये कितनी सच्चाई की बात है, जैसा सोच रहे हैं वैसे बन रही है। आप अब हम क्या है, पिछले ख्यालों का समुदाय अब है, अब जो विचार भगवान से ले रहे हैं हम तब बन जाएंगे। आप ये विचार पक्का कर ले। जैसे मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं इसी बात का, मनवा तू ही बोल मन, तू इस बात को कटाक्ष कर, तू इस बात को काट। मन शर्मिंदा हो जाता है, कैसे काटू? शरीर मैंने नहीं बनाया, रचयिता भगवान ने। अच्छा, वो जो उसकी सामग्री पांच तत्व है वो भी भगवान की है। हाँ, और अंदर जो आत्मा जगमगा रही है शक्ति, वो भी इसको चला रही, वो भी मेरी नहीं। पहले तो इस त्यागी बनो कि ये शरीर मेरा नहीं, शरीर भगवान का। जिस तरह मैं समझा रहा हूं इसी तरह समझाना अपने आप को, एक हाथ में बैठकर। जब भी फुर्सत घड़ियां मिलगी करें मेरे सजनों, आप इसी बात पर जो है विचार किया करें, शरीर कैसे मेरा, मेरा है ही नहीं। मेरा हो अगर मेरी सामग्री लगी हो, हाँ मकान आपका ठीक, क्योंकि आपने खर्चा किया, इतना कमाया, बैंक से लोन लिया, लोन लेके आपने कुछ कहते 5 लाख का मेरा मकान है, ये सारा कुछ आपने प्रमाण किया, श्रीमती ने सारा सोना बेच दिया, उसे आपको 1.5 लाख तो सोने से मिल गया। अच्छा, चूंकि आज 5,000 का तोला लगभग हो चुका, तो आपके पास काफी सोना था। अब हम कहते हैं बाकी आपका मकान आपका है, आप इतनी बड़ी कुर्बानी की, लेकिन शरीर का मकान कैसा है आपका? इसमें एक ढेला भी खर्च किया हो तो खड़े हो जाओ, कोई भी मेरा भाई मेरी बेटी खड़ी हो जाए, हमने एक ढेला भी खर्च किया इसके बनाने में, एक ढेला भी खर्च हुआ हमारा, बनाए भी हमने नहीं। और इसकी जो सामग्री है, हाँ वो भी हमारी नहीं। और जो इसको चला रहा है चाचा आत्मा, वो भी हमारी नहीं। ऐसे विचारधारा बनाओ, हिंदुस्तान की ये आइडियोलॉजी, किसी देश की ये आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा नहीं, जो हमारे धार्मिक देश की विचारधारा। अब इसी से ले लो, मन रोम रोम खिल उठता कि वाह
अब इसको अपना कहना कितनी घोर अज्ञानता, दुख पाना है ना। ये हो गया अमानत में खयानत। मालिक की चीज को नालायक मन अपनी मानता रहा। अच्छा, इसके अपने मानने से क्या होता है कि मन के साथ बातचीत करो। मन अगर तू फिर भी नहीं मानता तो बता, अगर तेरा है तो और किसका है, है ही मेरा। अगर तेरा है तो इसको बुखार क्यों नहीं देता है? ओ नालायक आजा। अब दूसरी पेशी पड़ी धर्मराज की कचहरी में, पहली पेशी पर नहीं माना, दूसरी पेशी पड़ गई अगले महीने की, फिर 14 तारीख आज 14 तारीख है, 14 तारीख पड़ी तो धर्मराज के सामने पेशी हो, तू बोल भाई। हाँ जी, मेरा है तेरा है, इसको बुखार क्यों नहीं देता है? सर मेरे पोजेशन में है, मेरे कब्जे में है। हाँ तो मेरा राइट होना चाहिए, जो भी किसी चीज आपके कब्जे में होती है आपका राइट है, तो हमारा चीज पर कोई अधिकार ही नहीं चलता। फिर इसको हम ना बीमार होने दे, ठीक, इसको डीके ना होने दे, हाँ सबसे बड़ी बात इसे मरने भी ना दे, जो मेरी चीज है तो मरने को देते नहीं, मेरे वक्त से नहीं चलता। ऐसा बात मन सियाना बन जा ना धक्के का, जिस पर तेरा वस नहीं चलता वो चीज किसी और की है। कितना बढ़िया विचार मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, ओ मेरी माताओं, ओ मेरी बेटियों, में कह रहे थे जिससे हमने लाभ उठाया आप भी लाभ उठा जाओ। सत्संग तो ये होता है जो मैं और मेरे को खत्म कर दे। भगवान सत्संग उसको मानते हैं जो मैं और मेरे को हटाकर क्या कर दे, तू और तेरा, तू और तेरा, मैं और मेरा रगड़ा जाए, मैं और मेरा कई बुखारत बन के उड़ जाए, और उसकी जगह ऊपर से उड़ता उड़ता ये भाव आए, प्रभु ये सब कुछ तू ही गए और ये सारा कुछ तेरा ही है, ये भगवान ने बनाया है। और जो चीजें जी माँ बाप बहन भाई ये जो चला बेटे चल अचल जड़ चेतन स्थावर जंगम जो भी चीजें दी है, स्थावर जंगम बच्ची दो प्रकार की चीजें है ना, एक चल है एक अचल है, एक 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 आपकी स्थावर जंगम मूवेबल इमूवेबल, दो प्रकार की प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये जो चलती फिरती चीजें हैं। अच्छा, और एक चलती फिरती नहीं है, जो चलती फिरती नहीं है उनको स्थावर बोलती है, जो चलती फिरती है उनको जंगम बोलती है। हाँ, चर और अचर ये दो प्रकार की चीजें, दो प्रकार के चले ना, जैसे माँ बाप बहन भाई पति पत्नी ये तो चल चीजें हैं, और धन पदार्थ मकान ये और चीजें ये जड़ है, जड़ और चेतन ये दो प्रकार चीजें, ये किसकी है? मेरे भगवान की। बस मेरा पार, मैं ये शरीर भी मेरा नहीं, भगवान ने बनाया, भगवान चला रहे गए और भगवान की सामग्री लगी पड़ी है, और जो आगे इसके साथ जो 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 कब्जे में मेरे मेरे है, मेरा जो मेरी सामग्री है वही सब भगवान की, बस मेरा पार। इसको हिंदू धर्म त्याग कहता, मैं और मेरे को मिटा दे जो वो त्यागी है, और उसकी जगह बिठा दे तू और तेरा। कितना बढ़िया विचार, चाहे अब बिठा लो चाहे 10 महीने बाद बिठा लेना, पर मैं मेरी जबान ये ना बोले चाहे अगले जन्म बिठा लो। जब तू और तेरा हुआ संस्कार मिटने लग गए। इसको हम कहती है वैरागी जीव, जो वैरागी का मतलब जो किसी भी प्राणी किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता। इसलिए वैरागी का अर्थ लिलु स्पष्ट, वैरागी की भावना भी आपके मनों में बड़ी गलत है, जो घर बार छोड़ छुड़ा के निकल गया। नहीं मेरे बच्चे, हमारा धर्म इतना छोटा नहीं है जो ये माने। हमारा धर्म कहते त्यागी वो जो जिसका जो मैं और मेरा नहीं मानता। सुनो ना, यही गोसाई जी ने रामायण में परिभाषा की है, मैं और मोरे तोर ये माया, ओ जई बस कीनी जीव निकाय। इस निमाने जीव को जिसने जकड़ रखा है मैं और मेरा, मैं और मोर तोर ये माया, यही माया है मैं और मोर, जिसने अंदर वाले जीव को जकड़ रखा है, अपनी ओर खींच रखा है। और जब ये यथार्थ भाव आ गया, मैं तो मैं शरीर किसे कह दूं, ये तो परमात्मा का है, और जब चाहेंगे परमात्मा ले लेंगे कोई हमारा, अगर हम ना भी चाहेंगे तो भी परमात्मा, देख लो कहीं बिल्कुल ही मरना चाहते, 99% नर नारी नहीं मरना चाहते, 1% आप जैसे तैयारी कर लेती हूँ, 99 नहीं मर, लेकिन मरना पड़ता है कि नहीं? ना चाहने पर जो मरना पड़े उसका जन्म होगा। सुनो नेक जीवो ओ नेक देवियो, ना चाहने पर जो मरता है उसका जन्म होता है, जो चाहने पर शरीर छोड़ देता है वो अमर हो जाता है। देखिए आपकी गीता क्या कहती है, दमे वापसी भी जो ये हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण।
जो ना चाहने पे मर रहा है, मैं नहीं मरना चाहती, मैं नहीं मरने पर मर जाता हूं, नहीं चाहता और मर जाता हूं। तो जन्म ऐले किरदार में आके आगे जन्म नहीं चाहता था मर गया, मेरी इच्छा थी जीने की, प्राण प्राप्त कर लेने की, हाँ लेकिन मुझे मरना पड़ा। आए गए जिन रादी में सार न जानी, उन्हीं राही में मैनू चल न पिया। जिन राहों का मुझे पता नहीं था, हायो मेरी बदकिस्मती, मुझे उन्हीं राहों पे पैर रखना पड़ा। जिस जिन शरीरों को मैं अपने पास रखना चाहती थी, हाय मैं उन सारों को छोड़ के चली गई। ऐसों का जन्म होता है। जो मैं और मेरे में मरते क्लियर कर रहे एक एक बात, फिर न कहना किसी रब दे प्यारे ने अपना हिंदू धर्म विस्तार पूर्वक समझाया नहीं था। जिस धर्म में आप पैदा हुए उसको समझो तो सही। मैं और मेरे के कारण से इंसान दुख पाता है, जलील होता है, खराब होता है, अपनी मिट्टी पलीत कर जाता है। और जब सही रूप में जैसे मैं समझा रहा हूं गीता जी की वाणी, मेरा है ही नहीं, मैं किस बलबूते कौन, शरीर मेरा मैंने बनाया नहीं। हाँ जो इसके पांच तत्व सामग्री है वो मेरी नहीं, और जो इसकी शक्ति चला रही है वो भी मेरी नहीं। तीन बातें बताई, मैं शरीर का रचयिता नहीं, नहीं, और जिससे शरीर बना पांच तत्वों से वो भी मेरे नहीं, नहीं, और जो शक्ति चला रही है वो भी मेरी नहीं, नहीं। रख लाना तो मैंने हुआ, फिर भी तो कहता ये मेरा। मुकदमा चला था पटियाला में, तो उसके पिता ने मुझे बतलाया, पहले सत्संग में आते थे, अब वो यहां से चले गए। सगे बेटे का और उनका मुकदमा चला। सगा बेटा वो उनके थे कारखाने, तो सगा बेटा कहता एक कारखाना मेरा, बाप कहते तेरे जैसे नालायक और नास्तक को और अवज्ञाकारी मां बाप की आज्ञा ना मानने वाले को बिल्कुल नहीं देना, तुझे मैंने गली गली में भिखारी बना के रख दे रहा। बाप ने कहा, तो उसने कहा ये बात अच्छा, जबरदस्ती एक कारखाना कर, और बाप को कहा अंदर आया तेरे टुकड़े कर छोड़ूंगा। बाप को, बाप ने मुकदमा किया, पहली पेशी पर हथकड़ी लगी, पहली पेशी पर। यह मुकदमा बड़ा निराला था। बाप ने उनका, आपका वकील मैं खुद ही वकील हूं, लड़के ने दो वकील किए नालायक और मूर्ख ने, और बाप को कोई वकील नहीं। जज ने कहा फिर पहले मैं आपकी बात सुनता हूं, मैं लड़का कहता ये कारखाना मेरा, मैं ये पूछा इन दो तीन प्रश्न में करता हूं, जज साहब इसे पूछो, कारखाना इसका है तो ये जितना भी इसका कच्चा सामान आता है कहां से आता है, बोल, जिसका कारखाना हो तो पता होता है, पता हो नालायक को तो पता ना, इसकी जो कारीगर काम करते हैं अंदर वो कहां के हैं, जवाब दो, नहीं, इसे पूछिए। और जब कोई कला खराब हो जाती है जिसको ठीक करने कौन मैकेनिक आता है, लड़का एक भी जीवा उसी वक्त कर लगाई गई, उसी वक्त उसी समय बैलेट गया, पुलिस गई, थानेदार गए और कारखाना खाली करा करके बाप को दे दिया गया। कि किस बार बूटी, तुझे पता नहीं मटेरियल कहां से आता है, तुझे पता नहीं मैकेनिक कहां से आती है, तुझे पता नहीं कि बाकी जो काम हो रहा है वो कौन करने वाले हैं, तो जो अगर तेरा अपना तुझे एक एक बात का पता होता तो ये तो सारा कुछ बाप का है। बाप कहते शुरू से लेकर अब तक मैं चलाता रहा हूं। हाथ कड़ी लगी, फिर बाप दो दिनों के बाद रो पड़ा जाते, जज साहब आखिर लड़का चाहे नलायक मूर्ख गंदा लेकिन छोड़ दो, क्या क्यों, ये कारखाना इसी का हो, मैंने इसका अहंकार तोड़ना था तो आपने बात ही बात में अहंकार तोड़ दिया, अब इसको दे दो, मैंने कोई लेकिन साथ जाना। रोपड़ा बाप अंदर गया, पुत्र आज मैं आज भी मोया तो मैं कल भी मोया, सब कुछ आपने संभाला है, लेकिन मैं तेरे अहम पाना को खुद ही को मारना था। अब वो बच्चा इतना विनम्र होकर रह रहा है, अब वो बाप दीजिए, बाप ने कर दिया, मैंने तो क्या सुंदर शब्द कह रहा उसको, मैं तो चार फुलकों का इनका मेहमान हूं, चार फुलके ऊपर सब्जी ना दे अचार, अचार हालांकि लाखों पति है ऊपर अचार ही रख दे ताकि जल्दी मैं खा सकूं, चल है तो सब कुछ ही गए ऐसा। तो मैंने कहा हार गया, उनको पता ही, इस तरह हम भी मन को हरा दे, मनवा बोल बनाने वाला कौन, तूने बनाया नहीं, और इसकी सामग्री तेरी है नहीं, और जो शक्ति चला रही है वो तेरी है नहीं, फिर तेला ना तेरे,
तो फिर जिसने सब कुछ किया ये उसी भगवान का, तो मैं की जगह तेरा हो गया। और मैं और आगे फस्ता का बागी, मैं और मेरा, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, अब ये मेरे है क्या? नहीं, मांगे मैंने गए, दिए भगवान ने गए। तो वस्तु किसकी होती है जो सप्लाई करे? हमने तो डिमांड की है ना बच्चे, हमने तो मांग की है, तो चीजें किसकी जो सप्लाई करे, जो हमें देता है सप्लाई करता है, तो भगवान की। बस ये बात, इसको जिसने ये मान लिया और मन में रख लिया, उसको भगवान त्यागी कहते हैं। उसको मेरे भगवान ने कहा त्यागी, वो त्यागी है जो किसी शरीर को मैं नहीं कहता, और शरीर के साथ जो प्राणी पदार्थ मकान उसको भी मेरा नहीं कहता। हाँ, ले गया बाजी, वो मेरे भगवान को बड़ा खुश कर गया, बड़ा खुश कर गया, बड़ा खुश कर गया। जरा देखना इसी प्रसंग में महापुरुषों में क्या अच्छी बातें बताए गए। दो शब्द लो जरा, जीना मरना। हाँ बाबा, आपके सामने रखो मेरी देवी, मेरे सज्जनों, जीना और मरना बड़ा मेरे पर प्रभाव पड़ा, बड़ा प्रभाव। भला हो महापुरुषों का जिन्होंने गीता की खोज की, भगवान जी की खोज की, अपन जन्म सफल कर गए, हमारे लिए भी काफी ज्ञान छोड़ गए। जरा शब्द लो जीना, हाँ, और आगे क्या है मरना, मरने को बाद में लेंगे, पहले जीना ले ले। हाँ, जीने के टुकड़े कर दो, जी जमा ना। जीना कैसे लिखोगे, जा में बड़ी की मात्रा और ना के आगे आ की मात्रा। हाँ, तो जीना, जी को अलग कर दो, ना को अलग कर दो। जीना क्या, जी नहीं तो मैं क्या करूं, आता बच्चा कर लू? नहीं नहीं नहीं, नहीं हिंदू धर्म है ये, तो जीना इस ढंग से जी, हा जैसे कि तू जी ना रहा हो, अर्थात किसी प्राणी पदार्थों को अपना ना समझ। जीना ना, जीना ऐसे नहीं उलझ के जी, उलझ के फंस के जी, हाय क्या अर्थ लगा गए। जीना जी, लेकिन ये ना कह ये मेरे है, ये प्राणी पदार्थ मेरा, ये शरीर मेरा। जीना ऐसे जी जैसे एक शरीर छोड़े हुए जिस तरह हो, ये तो डाइंग टू लिव, ये हमारा हिंदू धर्म है, डाइंग टू लिव, मुर्दों की तरह जी, मुर्दे ये नहीं कि उत्साह ना हो, कोई चीज मेरी है ही नहीं, जैसे मुर्दा चला जाता है मकान दुकान अपनी साजेदार को छोड़कर, इस तरह तो जी जैसे ये तेरी है ही नहीं। जीना जी ना, आएगा ध्यान देना जरा ध्यान से, इंसान तो इनकी मेरा गलतान हुआ पड़ा है, बुरी तरह एक एक रोम अपना फंसाई बैठा है, और जबकि महापुरुषों ने कहा जी ना, ऐसे जी जैसे तू जी नहीं रहा, ऐसे जी मेरी बेटी जी नहीं रहे, कोई किसी का अधिकार नहीं, अपना धर्म पूरा कर रही है, अपना कर्तव्य पत्नी बनकर मां बनकर पूरा कर रही हूं, सास बनकर जो हमारा रिश्ता पूरा कर रही है, लेकिन रहे ऐसे रहे हैं जैसे हम संसार से निराले गए। इन्हीं जी ना को हमारे हिंदू धर्म में कहा गया क्या क्या, कमल के न पत्ते पी ठहरे, जैसे कि कमल का फूल क्या तालाब में रहता हो भी, जीना जीना नहीं, अलग थलग गए, अलग थलग, इंटायरली आउट ऑफ इट है। देखो ना, देखो देखो कितने सुंदर रह रहा है तालाब में, लेकिन है अलग थलग, कोई उलझा हुआ नहीं। आप समझ रहे जरा अर्थ, जी रहे गए पर उलझे हुए नहीं है, ना जीने के बराबर है, जी रहे हैं पर ना जीने के बराबर, क्योंकि हमारा मन बिल्कुल निराला। जीना का कोई श्लोक आप कह सकते हैं गीता जी के अंदर, मैं टाइम नहीं था, आप टाइम देर लगा देंगे, जीने का एक ही श्लोक गीता में आता है, सुकेड़े जो हर शायद से हाय हाय वो है कायम लकल ए हक्षना, जो चारों ओर से अपने मन को खींचे हुए है और अपने भगवान में रखे हुए है। जीना वो जी भी रहा है ना जीने के समान, बिल्कुल अलग थलग, जीना जी ना, ऐसे ना जी के उलझ जा, ऐसे ना जी के फंस जा, ना जीना। आगे चलो, मरना अलग कर दो, मरना मरना है बिल्कुल मोया हुआ ना रहो, उत्साह दिखा, हाँ कर्म कर्मशील होकर जी, मुर्दों की तरह नहीं कि बिल्कुल उत्साह नहीं, लंबे उतरे सिर उठाई फिरती है रोते फिरते ना, मरना देखो क्या कमाल के शब्द है, मरना उत्साह दिखा, जुट जाओ, सक्रिय बन, एक्टिव एंड स्मार्ट, चुस्ती दिखा अपने रहने में सहने में बोलने में, हाँ चुस्ती दिखा अपने ज्ञान में वैराग में, मरो की तरह मतलब बिल्कुल मर गया, उधर जीना, इधर कहते मार मरना, मर नहीं, मुर्दों की तरह मत रहो, बिल्कुल गए भी तक बन गोभी मत के बहो,
रात मर्दे बांध गोभी को फूल गोभी खाया कर, फूल गोभी की तरह रहो, खिड़के रहो। हाँ, यही भगवान ने बार बार कहा, खिड़के रहो, बचेगा गुनाहों से दो आत्मा, कष्ट कष्ट मरना, मरो की तरह मत रहो। बिल्कुल जैसे मुर्दा होता, नहीं मैं तेरे साथ हूं, तेरी शक्ति तेरे साथ है, भगवान जी हमारे साथ है, उत्साह से रहे, इसको त्याग कहती। मुर्दों की तरह भी नहीं रह रहे और उलझे हुए भी नहीं रह रहे, बच्चे उलझे हुए भी नहीं रहे, जीना का मतलब उलझे हुए भी नहीं रह रहे, हम उलझे हुए भी नहीं रह रहे और मरना सुलझे हुए रह रहे, उलझे हुए भी नहीं रह रहे, सुलझे हुए रह रहे, मरना बिल्कुल ना मर जा, बिल्कुल ही नहीं। अगर कोई बहुत रोब डाल रहा है, जरा तरीके से बात सुना दे, मुर्दे की तरह नहीं रहना। देखिए भाई साहब, आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रही हैं, और याद रखिए इसका परिणाम आप ही के लिए बहुत गंदा होगा। है मरना मर्दों की तरह जो 100 बातें कह जाए और चुप कर जा, है मरना, घर में गुर्बत है और मुर्दों की तरह बैठे रहो, मस्तक में हाथ रखो, उठो मुर्दों की तरह मात्र पुरुषार्थ करो, लगो जुटो, चाहे मेरी बेटी चाहे मेरे बेटा है, गुर्बत की डाकनी को घर से निकालो, मरना। हाय वे हाय, अब दोनों का भाव हो गया, त्याग भावना से रहो, सक्रिय और अपने अंदर एक स्फूर्ति लेके रहो, बी एक्टिव एंड वेरी वेरी स्मार्ट, ये त्याग, इसको त्याग कहती है मेरे बच्चे, इसको त्याग कहती है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, लाभ उठाओ अपनी अपने हिंदू धर्म का, जो मैं चुस्त करू शर बनाता है, शेर बना देता, जो मैं बड़ी हमारे में एक स्फूर्ति पैदा कर देता है, मर रहा होगा जब दिन आएगा सही छोड़ जाएंगे, जब उससे पहले हम मर जाए, उससे पहले चुस्ती दिखाएंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, जब भगवान ने बुलाना वी आर ऑल रेडी, बुलाने मेरे भगवान वो हम तैयार है, पर तैयार ये शब्द वो कहेगा जो सुकेड़े जो हर शायद से जो चारों ओर से अपने आप को खींचे हुए है, कहीं भी उलझा हुआ नहीं, कहीं भी मेरी बेटी अनटैंगल नहीं, लड़की का चोला है, देख रहे मेरे बच्चे, मन बड़ा नरम होता है आप लोगों का, पर अगर आप ज्ञान से रहेंगे तो उलझे हुए नहीं रहेंगे, सुलझे हुए रहेंगे, सुलझे हुए जैसे राम शब्द, मैं कल भी शायद कह रहा था, रा आ की मात्रा मां, तीनों अक्षर अलग अलग आए, अर्थ पूरा है, इस तरह बुद्धि मन और तन हम अलग अलग रखेंगे, फंसाएंगे नहीं अपने आप को और अपना कर्तव्य पूरा कर देंगे, वो सचमुच जीने के लिए भी तैयार है और शरीर छोड़ने के लिए भी तैयार है, ये त्याग भावना से रहना, समझे मैं सजनों, त्याग भावना से रहना, ऐसे जीव बासी नहीं जाते थे, ऐसे जीवों को जीना आ गया वो बाखुशी जिएंगे, और टाइम आ गया बाखुशी इस शरीर को छोड़ देंगे, बाखुशी जीना बाखुशी शरीर को छोड़ देना, वो छोड़ देंगे इस शरीर को, जब भी उनका टाइम आएगा यूं छोड़ेंगे जैसे भगवान कहते हैं पुराना वस्त्र उतारा जाता है, आएगा बेटी जैसे पुराना वस्त्र उतार दिया जाता है, उतार दिया गया रो पिट की तो जिन्होंने छोड़ा लख लाना तीन को, जब छोड़ना ही जाए हंस हंस के छोड़ जाए, पर इसकी पहले तैयारी की जाए, हंस हंस के वो छोड़ते जैसे आपकी तैयारी की जा रही है, आपको रोज असल असलियत की बात बताई जा रही है, मैं मेरे की छाप हटाकर तू और तेरे की छाप लगाई जा रही है, तब अब मन क्या हो गया, मन अंतर्मुखी हो जाएगा, जिसने पिटना था रोना था अब अंतर्मुखी हो जाके भगवान से शांति लेता जा रहा, आप कितनी खुशी से पुराने मकान को छोड़ के अपने नई बिल्डिंग में चली जाती, बड़ा सुंदर मकान बनाया प्रेमनगर के अंदर, आपको बड़ा सुंदर बिल्डिंग बनी है, पुराने को छोड़ दोगी, इससे जो बड़ा सुंदर विवेक वैराग और भक्ति वाला मकान बना लिया है, वो इस मकान को क्या करेगा, आखिर मैं कह रहा हूं मेरी देवियों मेरे सज्जनों, वो इस पुराने मकान को लेके क्या करेगा, इसे रख के क्या करेगा, जिसका विवेक वैराग और भक्ति से सुंदर मकान बन चुका, वृत्ति लग चुकी है, अंदर से रस आ रहा है, मन बिल्कुल एकाग्र होता जा रहा है, अगर ये अवस्था बन रही है तब तो सचमुच आप त्यागी है, और इसके लिए मेरे भगवान कहते हैं त्यागा शांति अनंत, ऐसा त्यागी हमेशा शांति पाता है, अब भी शांति पाएगा तब भी शांति पाएगा, इस दुनिया में भी शांति से रहेगा, और आगे भगवान करे जन्म ना हो तो बड़ी अच्छी बात, कोई वासना कामना नहीं लेके मैं और मेरा लेके नहीं जाओगे, जन्म ही कोई नहीं, तू और तेरा लेके गए तो क्या उसी में समा जाएंगे, चूंकि लगाई थी लौ जिससे हासिल वो, अगर तू तेरे में लौ लगाई तो उनमें समा जाएंगे, और मैं मेरे में लगाई तो फिर और जन्म ले लेंगे, और इसकी ऐसी काया मिल जाएगी, इसलिए गलती ना करना,
ये अकल वाली बात रख लो कि मैं और मेरा कहूं कैसे, ना मेरे इस पर अधिकार है, ना मेरा मटेरियल है ये, और ना मैंने बनाया है, और ना ही मेरी शक्ति इसको चला रही है, तो मैं किस बलबूते कहूं कि ये मेरा है? नहीं, सब मेरे इष्टदेव भगवान जी का है, ये सारा कुछ है ही उन्हीं का। ऐसा जीव तर गया और कईयों को तार गया। इसलिए ऐसे जीवों को, नेक जीवों को और भाग्यशाली जीवों के लिए एक शब्द भारत में रिजर्व है, तरन तारन। ऐसे क्या बोलते हैं भाई? तरन तारन। बेटे ये महापुरुषों के लिए शब्द लगा है, आप लोगों ने स्थानों के नाम रख दिए तरन तारन। स्थानों के नाम नहीं होने चाहिए, अनुभवी महापुरुष का ये नाम होता है, उनका ये गुण होता है, ना कहीं इट्टा रोड़ा पत्थर का बना हुआ स्थान को कह दे तरन तारन। नहीं, अनुभवी महापुरुष जिनकी रसाई भगवान तक हो चुकी है, वो होते हैं तरन और तारन। अच्छा, ये नाम किसी और का भी है, किश्ती का नाम भी यही है। काका किश्ती को, हाँ नाव जैसे बोलती है, खुद भी तरती है और अपने में बैठे हुए को तार देती है। पहुंचे हुए महापुरुष का भी जो भाव सागर से तर गया और अपने साथ कईयों को तारे जा रहा है, और किश्ती भी कहती मैं भी परले पार जाऊंगी, और जो मेरे अंदर बैठ जाएंगे वो भी परले किनारे पर उतरेंगे। महापुरुष तरन तारन, वो यही सिखा जाती है, यही त्याग भावना बताया जाती है, बड़ी सुंदर। ये है त्याग, मैं मेरा कुछ नहीं, ये सब कुछ मेरी मालिक ने मुझे दिया है प्रयोग करने के लिए, प्रयोग मैं कर रहा हूं उनकी समझ करके, काया का प्रयोग कर रहा हूं उनकी समझ करके, और बाकी जो माया मैंने जो चीजें आपके पास है, काया और माया भगवान जी की, काया माया भगवान की, काया ये मेरी काया, और ये जो कुछ मेरे पास है माया, ये सब भगवान की है, मेरी नहीं है। मैंने आज भी छोड़ जाना, कल भी, बार बार अपने मन को कहो मैंने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, काया माया भगवान की, काया माया भगवान की, काया माया भगवान की, ये सब माया, उन्हीं की काया माया है, बस बेड़ा पार। इसको मेरे भगवान कहते फौरन शांति लेता आ गए, और अपना ऐसा त्यागी भगवान की जात में समा के अमर हो जाता है। इतना ही समय आप मुझे बख्शते हैं, मैंने रूपरेखाएं ड्रॉ कर दी हैं, आप जाके विचार करना, सारी मेरी देवियां इस इन रूपरेखाओं पर जरा विचार करें, मैं और मेरा किस बात पे कहूं, त्यागी कौन जो मैं किसी पानी पदार्थ को मैं मेरा नहीं कहता, तू और तेरा, तू और तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको है ही तेरा, तेरे चरणों में अर्पण, तेरी वस्तु तेरे अर्पण, तेरी वस्तु तेरे अर्पण। ऐसा जीव कितनी शांति से मरता है, क्योंकि कहीं अड़ा हुआ नहीं था, मन तो पहले भीतर में था, और कितना शांति से जीता है, क्योंकि दुख तो तब पाए ना जब तल्लुक से पैदा जो होता है, उन्हें तल्लक बनाई कुड़ी, तल्लक सारे खींच लिए, चारों ओर से अपने संबंध को खींच के भगवान के साथ संबंध लगा दिया, तो खुशी से जीता गए, और अंत समय आने पर खुशी से इसको छोड़ देता। ये है जो मैं कहा कि तो गीता में खुशी बाखुशी जीना सिखाती है, बाखुशी ये शरीर को छोड़ना सिखाती है, हंसते आओ गांधे जाओ, गीता में ये पाठ पढ़ाती है ज्ञान के द्वारा, हंसते आओ गांधे जाओ, नालायक दुनिया सिखाती है, रोंदे आओ पिटते जाओ, फिर पिटे वो दुनिया ये सिखा रही है, रोंदे आओ बच्चा रोया और पिटता हम मर गए, ये गलत, हम हंसते आए गांधे जावेंगे, पर ये बाप बाप ये पाठ पक्का हो जाए तब हमारा चेहरा लाल रहेगा, क्योंकि हमारा मन ही नहीं कहीं उलझा होगा, भगवान में लगा हुआ होगा। ये भी पाठ पक्का कर मेरी देवी, मेरे सजनों, कि सब कुछ मेरी मालिक का है, ये काया मेरे मालिक की, और जो कुछ मुझे भगवान ने दिया प्रयोग के लिए वो भी मेरे मालिक का है, मैं किस बालबूते कहूं कि ये मेरे है, ना ये सब कुछ मेरे मालिक का है, ये सब कुछ उनका है। लो ऐसा जीव अपने सुगति करवाते हैं, दुर्गति है, ऐसे जीवों को कोई जरूरत नहीं, तो उनकी हड्डियां गंगा जी ले जाओ, कोई जरूरत नहीं, वो तर गए हैं, दूसरों को ले जाते हैं उनका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिन जिनका कल्याण होता है सूक्ष्म शरीर तो निकल गया बीच में से, वो तो धक्के खाने के लिए चला गया किसी गर्भ के अंदर, और ऐसे जीवों के लिए कोई जरूरत नहीं दीवा जलाने की और चौथा चौथा मनाने की और तीरवा करने की, ना जरूरत है कोई नहीं, वो तो अपनी गति खुद ही कर जाती है।
हाय, उनकी सुगति तो पहले ही होगी, वो तो पहले ही मालिक के साथ उन्होंने आंखें चार कर ली है। ऐसे जी तो सदा ही शांत है, और जाती है तो शांति पूर्वक चले जाती है। चकोर उनकी काफी पहले तैयारी होती है, जो लड़के खूब पढ़ते रहती हैं वही डिस्टिंग्विश लेते हैं, मेरिट में आती हैं, उनके 90% नंबर आ जाते हैं। तो हम लोग बड़ी तैयारी कर रही हैं गीता के ज्ञान से, गीता की गाइड से, बच्चे भी गाइड से अपने सब्जेक्ट तैयार करते हैं, हम भी लाइफ गाइड गीता से अपना लोक परलोक तैयार कर रहे हैं। हम लोक भी तैयार कर रहे हैं, परलोक भी तैयार है। हमारी गाइड क्या है? गीता। इसी गाइड से हमने भी अपना बेड़ा पार कर लेना, अपना कल्याण कर लेना है मेरी देवियों। आहा, तो भगवान के शुक्र हो, सब कुछ उन्हें इतना मौका दिया तरने के लिए, ज्ञान दिया, एकांत दिया, आने का मौका दिया, सेहत दी शरीर की, घर वाले कोई पंगा नहीं लेते आपके साथ, कोई दखल नहीं देते, ये सारा जो अवसर दिया है सब ये प्रभु की देन है। हम लाभ उठा जाएंगे, जरूर उठा जाएंगे। आहा, क्यों ना हमारा रोम रोम इसी कृतज्ञता में पुकार उठे। आहा, और मेरे साथ शामिल, फिर हम आरती उतारे अपने मालिक की। बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, कौन सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। बहुत अच्छे, साबित कर दिखाओ, साबित कर दिखाओ। महापुरुष हमें पाठ पढ़ा गए, हम साबित कर दिखाएंगे। बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। बहुत अच्छे, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, हाँ हाँ बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। जय हो मालिक, जय हो। बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। जी हाँ, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। भगवान करे हम साबित कर दिखाए, मेरी उपस्थित माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग और मेरे अहोभागी चाली भाई अपने जीवन में साबित कर दिखाए। बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा, कौन सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।